नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल, आपको बताना है पुरातत्विक स्थल संगोल कहाँ स्थित है। संगोल जो कि पुरातत्विक महत्व का स्थल है, जहाँ पर खुदाई में पुराने समय के अवशेष प्राप्त हुए और एक बौद्ध स्तूप भी मिला था, तो वो कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है हरियाणा, सिक्किम, मणिपुर और पंजाब। तो आपको बताना है कि संगोल कहाँ स्थित है। आप इसका जवाब हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि संगोल कहाँ स्थित है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में जो वैकेंसी आई है टेक्निकल असिस्टेंट की, उनके बारे में। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथियों, आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में वैकेंसी आई हैं, और ये वैकेंसी आई हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में वैकेंसी आई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा एक साल का। इसमें कई सारी वैकेंसी आई है, कंसल्टेंट की आई है, इसके अलावा प्रोग्राम मैनेजर की, लीड प्रोग्रामर की, सीनियर प्रोग्रामर के, प्रोग्रामर की, ये एक एक वैकेंसी है, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। वही जो 18 वैकेंसी आई है टेक्निकल असिस्टेंट की, उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो आज हम आपको इस वैकेंसी के बारे में बताएंगे। इस वैकेंसी के लिए पे है 45,000 रुपये और आपको 2,500 रुपये महीने कन्वेंस भी मिलेगा, और मैक्सिमम एज है 65 साल। इसके लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसके पास निर्धारित योग्यता हो। अब बात कर लेते हैं निर्धारित योग्यता की। तो ये योग्यता मांगी गई है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, उसके अनुसार आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रोनॉमी में, सॉइल साइंस में यानी मृदा विज्ञान में, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, प्लांट ब्रीडिंग में, या फिर किसी अन्य एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में विद स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट ऑफ फील्ड क्रॉप। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स के पास रिसर्च और एक्सटेंशन में एक्सपीरियंस है उनको वरीयता दी जाएगी, लेकिन एक्सपीरियंस अनिवार्य नहीं है। इन सब के अलावा आपके पास एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट का ज्ञान होना अनिवार्य है। और साथ ही जो कैंडिडेट पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं संबंधित फील्ड में, उनको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में। तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन किसी सब्जेक्ट में, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स जो आपके लिए क्वालिफाइंग एजुकेशन एग्जामिनेशन में होने चाहिए वो है 60%, यहाँ पे 6.0 CGPA आपका होना चाहिए, उसके बाद ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या काम करना होगा। तो आपको प्रोक्यूर, कंपाइल एंड एनालाइज स्टेट वाइज डाटा जो कि इंटरव्यूशन प्रोग्राम से संबंधित होगा वो आपको कलेक्ट करना होगा, इसके अलावा कंपाइल करना होगा, मेंटेन रिलेवेंट रिकॉर्ड फाइल डाटा ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द प्रोग्राम, इसके अलावा असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ यूनिफॉर्म मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन फॉर्मेट्स, साथ ही आपको फील्ड विजिट भी करनी होगी मिशन की एक्टिविटीज के बारे में, और आपको मॉनिटरिंग भी करनी होगी NFSM की यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की, आपको मॉनिटरिंग में भी सहायता देनी होगी। इसके अलावा आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने होंगे और डाटा भी मेंटेन करना होगा एक्सेल सीट पर, साथ ही जो भी ड्यूटी आपको दी जाएंगी वो सब आपको करनी होगी। और साथ ही ये फॉर्म ऑफलाइन है जिसके बारे में आगे हम बताएंगे। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन जो होगा वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएगा और इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू के टाइम पे आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो SST OBC PH हैं तो अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके आएंगे। कोई भी TA DA इंटरव्यू के लिए नहीं दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस फॉर्म में आप पोस्ट लिखनी होगी, नाम, पिताजी का नाम, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, साथ ही एड्रेस लिखना होगा, एज, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी PH है या नहीं है वो सब लिखना होगा, एक्सपीरियंस अगर है तो वो भी लिखेंगे, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, और आपने विदेश में शिक्षा यात्रा की है वो आप वो भी लिखेंगे, इसके अलावा आपको टाइम कितना चाहिए ज्वाइनिंग के लिए वो भी लिखेंगे, और अगर आपने कोई रिसर्च पेपर प्रकाशित करवाया है तो आप वो भी लिखेंगे, और यहाँ इंक्लोजर्स लिखेंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन को पढ़ के आप यहाँ साइन करेंगे और यहाँ प्लेस और डेट लिखेंगे, इसके साथ ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको भेजना कहाँ है ये, और साथियों आपको अपना ये भरा हुआ आवेदन पत्र सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के साथ भेजना है मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीज भवन, पूसा रोड, नई दिल्ली 11012, और ये 22 जनवरी तक पहुंच जाना चाहिए। तो साथियों फॉर्म का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड करके इसको भेज सकते हैं, 22 जनवरी तक ये दिल्ली पहुंच जाना चाहिए। तो साथियों हमने आपसे कुछ देर पहले एक सवाल पूछा था कि पुरातत्विक महत्व का स्थल संगोल कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है पंजाब में, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, और यहाँ तोरमान साथ ही मेहर कुल के सिक्के मिले थे, इसके अलावा एक बौद्ध स्तूप भी मिला था, और ये जगह पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में स्थित है। तो आपका सही उत्तर है पंजाब। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।